हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए मेरे घर की स्पेशल 10 मिनट में बनने वाली लीवर की करी। ये लीवर है चिकन का, जो कि जल्दी ही पक जाता है, झटपट बन जाता है और काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे पैन को गर्म करेंगे, पैन के अंदर पीनट ऑयल डालेंगे। पीनट ऑयल से इस लीवर का स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और महाराष्ट्र में पीनट ऑयल ज़्यादा खाया जाता है। मैंने इसमें जीरे को ऐड कर लिया है, साथ ही कड़ी पत्ते का भी तड़का मैं दूंगी। जीरे और कड़ी पत्ते के महक से काफ़ी अच्छी ग्रेवी में एक स्मेल आ जाती है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो आप भी तड़का ज़रूर लगाया करें। इंडियन रेसिपी तड़कों से ही शुरू होती है। वो तड़कों की भी एक खासियत होती है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इंडियन रेसिपी हमेशा तड़कों के साथ शुरू होती है। मैंने इसके अंदर 2 कटे हुए प्याज को अच्छे से डाल दिया है। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है, इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो आप ऑयल को अच्छे से गर्म रखें। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिकन लीवर बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, बड़ों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये काफ़ी किफ़ायती होता है, तो इसे बनाकर ग्रेवी में खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाया करें। मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड कर लिया है, जिसे कि मैं ऑनियन के साथ धीरे धीरे भून लूँगी। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। हमें इसे ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना है। मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी को ऐड कर लूँगी। हल्दी की वजह से ग्रेवी का कलर काफ़ी उठ के आता है। साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी और स्वाद के लिए लाल मिर्च ऐड करूँगी। लाल मिर्च मैंने देगी मिर्च लिया है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। और साथ ही मैं इसके अंदर 2 चम्मच चिकन मसाला भी ऐड करूंगी। चिकन मसाला मुझे बहुत ही पसंद आता है, इसलिए मैं अधिकतर ग्रेवी में उसे ऐड करती हूँ। एवरेस्ट का चिकन मसाला काफ़ी टेस्टी होता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। मैं इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लूँगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भूनना है। आप देख सकते हैं प्याज अभी भी कच्चे हैं। हमें इसमें अभी कलेजी को भी ऐड करना है। ये कलेजी मैंने लगभग 200 ग्राम लिए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ताजे हैं। इसे अच्छे से वॉश कर मैंने इसके अंदर इसे ऐड कर लिया है। साथ ही मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच अपने घर के बनाए हुए सेजवान सॉस को भी ऐड कर लूँगी। इस सेजवान सॉस को मैंने टमाटरों से बनाया है, जिसकी रेसिपी मैंने पहले दे चुकी है। आप चाहे तो मेरी कोरियन प्लेटर की रेसिपीज़ में जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। आप लोगों को मेरी वो रेसिपीज़ बहुत पसंद आई थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे बनाया था, तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर बनाइएगा। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम में पकने देना है। यहाँ पर मैंने इसे 10 मिनट के लिए पकने दिया था। आप देख सकते हैं मसालों ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है और ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो मैं इसे 5 मिनट के लिए और ढककर पका लूँगी। स्टीम लगकर कलेजी अच्छे से पक जाएगी, आप देख सकते हैं। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो कलेजी के टुकड़ों को अभी क्रश कर सकते हैं, इससे कलेजी के जूस रिलीज होते हैं, जो कि ग्रेवी हमारे मसालों के साथ अच्छे से मिल जाते हैं और हमारी कलेजी का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं अब इसके अंदर ग्रेवी के लिए लगभग 1/2 कप पानी को ऐड कर लूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में धनिए को कट कर डाल दूँगी। धनिए की महक हमारी ग्रेवी में अच्छे से बैठ जाती है, जिससे कि बाद में खाने से ग्रेवी में एक काफ़ी बढ़िया स्वाद और बढ़िया रिफ्रेशिंग फ्लेवर आ जाता है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरी ऊपर आ चुकी है, मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसकी महक इतनी लाजवाब आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए और पका लूँगी।
ताकि हमारी ग्रेवी और अच्छे से गाढ़ी हो जाए और अच्छे से चटपटापन आ जाए इसमें। मैं इसे राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल में राइस ले लिया है, जिसके बीच में मैं एक वेल बना रही हूँ। चावलों को मैंने साइड में कर दिया है ताकि मैं इसके अंदर अपने कलेजी की ग्रेवी को ऐड कर लूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका महक मैं बता नहीं सकती आपको ये कितना स्वादिष्ट है। तो आप इसे इसी तरीके से बनाइए। ये गाढ़ी गाढ़ी कलेजी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो हमें इसे चावलों में ऐड करना है, तो मैं इसे सर्व करने के लिए चावलों के बीच में रख दूंगी। ये स्पाइसी चटकदार खट्टी मीठे स्वाद वाली ग्रेवी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने घर में भी ज़रूर बनाइएगा। मुश्किल से इसे बनने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। कलेजी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, ख़ास करके बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है और चिकन के कलेजी में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन होते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। 10 मिनट में बनने वाली इस कलेजी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और घर में ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।